सीतापुर में बारिश के चलते गिरा पेड़, हादसे में बाल बाल बचे राहगीर, पेड़ के नीचे दबे कई ई रिक्शा, शहर कोतवाली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सीतापुर से, जहां बारिश के चलते पेड़ गिरने की वजह से ये हादसा। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं राहगीर, देखे किस तरह से विशालकाय पेड़ जो है वो तेज बारिश के बीच गिरता नजर आया। शहर कोतवाली का ये आप पूरा मामला आपको बता रहे, तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं, पेड़ के नीचे कई ई रिक्शा दबे नजर आ रहे हैं। वहीं बहराइच में रिहायशी इलाकों में घुसा बारिश का पानी, बारिश के पानी के साथ घुसा मॉन्स्टर लिजर्ड। तो मॉन्स्टर लिजर्ड मिलने से लोगों में दहशत, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम ने मॉन्स्टर लिजर्ड का रेस्क्यू किया है। बहराइच के नोवागढ़ी मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मॉन्स्टर लिजर्ड यहां पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब इसका रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जब ये लोगों को दिखाई पड़ा तो लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद अब फिलहाल मॉन्सून लिजर्ड को वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू कर लिया गया। तो वहीं इटावा में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, बारिश के पानी में फंसी स्कूली बस। तो अंडरपास में भरे बारिश के पानी में फंसी बस, जेसीबी की मदद से बच्चों का कराया गया रेस्क्यू। तो देखिये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां इटावा में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। तो बारिश के पानी में स्कूल बस फंसी नजर आ रही है, जिसके बाद बच्चों को जेसीबी की मदद से उनका रेस्क्यू किया गया। तो वहीं सीतापुर में भी लगातार बारिश को लेकर कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। पूरी रात बारिश के चलते एसडीएम समेत नायब तहसीलदार, नगर पालिका परिषद की टीम पूरी रात मौके पर रही। कई पंप को लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बीच शहर से सराय नदी निकलने वाली बाढ़ उफान पर है, कई घरों में पानी भर गया है। भीषण तेज बारिश के चलते नवनिर्मित कैची पुल की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए रात में जैसा आप देख रहे हैं कि भीषण बारिश हुई है, इससे हम लोगों ने भी दो तीन दिन पहले पुणे के लिए जलभराव समस्या थी, उसको हम लोगों ने इवेक्यूएट कर दिया था, पानी निकाल दिया था। लेकिन फिर रात में चूंकि भारी बारिश हुई है तो पानी भर गया है। 5-6 हमारे पंपसेट लगे हुए हैं, जिससे पानी लगातार निकल रहा है। रात भर हमारे तहसील के कर्मी, नगर पालिका, एसडीएम साहब, हम लोग सब लोग जो हैं रात भर मेहनत की है। अभी भी आप देख सकते हैं पंपसेट चल रहे हैं, पानी निकल रहा है। भीषण बारिश रात से हो रही है। हम आपको बता दें कि सीतापुर में सराय नदी के मुख्य नदी है, जो काफी उफान पे चले, जिसके चलते कई मोहल्लों में पानी भी भर गया है। सीतापुर का जो एक मोहल्ला शरणार्थ का, ये भी मोहल्ला, यहाँ भी लोग काफी परेशान है, जो है काफी जो 3-3, 4-4 फुट तक पानी भर गया। हमारे संग महिलाएं भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है। मैम क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्या बैठना, ड्यूटी जाना है, लोग आपके घर में शादी भी है, उसको भी जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत ऐसा दिक्कत हो रही है, ना कोई आ पा रहा, ना जा पा रहा है। जी आपको बिल्कुल बता दें, देखिए कितना पानी भरा हमारे संग, और भी लोग मौजूद, लोग जो अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के नाश्ता भी लेकर के आ रहे हैं, जो काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं बड़ी हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही, कल हल्का पानी कम हुआ था। प्रशासन भी लगातार लग रहा है, रात में लगातार प्रशासन से एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब और यहाँ के सभी बिजली विभाग के कर्मचारी सभी लोग लगातार लगे हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्था बन नहीं पा रही, क्योंकि लाइट बार बार कट रही है, मोटर से पानी खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ले जाने की समस्या है, और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें पानी न भरा हो। प्रशासन लगातार लगा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन अभी कुछ ज्यादा करने की उम्मीद है। आप बच्चों के लिए नाश्ता नहीं करके आए, किन किन समस्याओं का रास्ते में सामना करना पड़ा? लगातार जो है यहाँ पे पानी भरता हुआ जा रहा है मोहल्ले के अंदर, लोग जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन लगातार पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि बारिश इतनी भीषण हो रही है, जिसके तहत मोहल्ले में काफी पानी भरा हुआ है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। बढ़ेंगे आगे, आपातकाल का एक काला अध्याय मुजफ्फरनगर।